ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं 60 दिनों के लॉकडाउन से संकट में आ गई हैं। उनको लग रहा है उनका व्यवसाय खुलेगा कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन लेकर। भविष्य में आर्थिक सहायता साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन के साथ पार्लर खोलने की मांग को लेकर। हमारा व्यवसाय कब खुलेगा यह कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आज 2 महीने हो गए हमारी दुकानों में ताले लगे हुए। बिजली का बिल सहित तमाम खर्चे उसी तरह से चल रहे हैं। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो वे दिन दूर नहीं जब हमें भूखे मरने की नौबत का सामना करना पड़ेगा। हम सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम शासन से मांग करते हैं जिस तरीके से वकीलों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई गई ठोक उसी तरीके से हमें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम पर आश्रित तमाम लोगों के जीवन का पहिया आगे बढ़ सके। कुछ ऐसा कहना था प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आई ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं का कलेक्ट्रेट परिसर्वे। ब्यूटी पार्लर इस्पा के सौजन्य से हम लोग ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपने आए, क्योंकि पिछले 60 दिन हो गए। 60 दिन में सारे व्यवसाय को लगभग छूट मिल गई है, लेकिन एक हमारा ही व्यवसाय ऐसा है ब्यूटी पार्लर एंड सैलून का, जिसमें जनरली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, शारीरिक जो देह से देह की दूरी होती वो नहीं होती, एक नियरेस्ट होकर हमको काम करना पड़ता है। इसलिए शायद शासन ने हम लोगों को परमिशन नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने लंबे समय तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा घर, हमारा पूरा परिवार हमारे इसी व्यवसाय से चलता है। 60 दिन होने के बावजूद अब हमें बहुत कुछ आगे दिक्कतें होने लगी हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन हम लोग के लिए बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं। एक अपॉइंटमेंट के थ्रू कम से कम क्लाइंट को लेके एक डिस्टेंसिंग बना के हम अपना काम करना चाहते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कुछ स्थिति में कुछ सुधार आए, यही हम चाहते हैं। और नहीं, अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट जैसे वकीलों को आर्थिक पैकेज दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी आर्थिक सहायता मिले। इस समय सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, कुछ छोड़ के, जिसमें से हम लोग भी शामिल हैं, कि हमारा पार्लर भी नहीं खुला है और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, बिजली भाड़ा किराया हर एक चीज़ मेंटेन करने में, और हमारे जो काम करते हैं वर्कर्स उनको सैलरी देने में। अभी हम लोग को ये भी नहीं पता कि कब खुलेंगे, क्या खुलेंगे। सरकार हमको ये खोलने का बोले कि भाई आप अपने सैलून खोले, तो हम अपनी सुरक्षा के हिसाब से हम पार्लर खोलेंगे। अभी सभी शॉप्स खुल चुकी हैं और हम लेडीज़ें अपने घर से इतनी मेहनत करते हुए बाहर आते हैं कि हम अपने, हमारा घर खर्च भी इसी बिजनेस व्यवसाय से चलता है। तो हम कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि हम लेडीज़ों के लिए भी कलेक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें भी राहत पोज दें। हमारे साथ जो और भी लोग हैं जिनकी जीविका हम लोग चलाते हैं, उनकी फैमिली को भी परेशानियां हैं, तो उनकी परेशानियों को देखते हुए उनकी सैलरी तो हम लोगों को देनी ही पड़ रही, लेकिन हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो कलेक्टर महोदय से हम लोग ये आशा करते हैं कि हमारी ये परेशानी को वो जल्दी जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो भी उनके गाइडलाइन होंगे उसके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। और आज हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। आज मेरे दुकान का 7,000 रुपये बिल आया। हमारे साथी हैं, बहुत साथी नहीं आ पाए। महिलाओं के अभियान में भी हम साथ हैं, महिलाएं भी हमारा साथ दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में भी सैलून और पार्लर खोलने की, कंटेनमेंट एरिया छोड़ के खोलने की इजाज़त है, किंतु माननीय कलेक्टर जी ने जो आदेश और निर्देश दिया है उस निर्देश को हम लोग सहर्ष मानेंगे, और मानेंगे नहीं तो मरेंगे। मेरे पीछे आप जो महिलाओं का समूह देख रहे हैं, ये सारी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में तमाम व्यवसाय को बंद कर दिया गया है, उसमें से ब्यूटी पार्लर भी है। ब्यूटी पार्लर में जैसा कि सबको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी इनका सबका कहना है निश्चित रूप से सरकार की दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, जो भी उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। अब लगभग 60 दिन होने को आए, भूखों मरनों की स्थिति आ गई है। आज ये हालात ये हैं कि घर में खाने के लिए नहीं, अगर सरकार ने हमारी
या तो आर्थिक मदद करे या हमारा पार्लर खोलने की तत्काल हमको परमिशन दे। हम अपने नियम कानूनों का पालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखदारी है। इस तरीके से कुछ कहना था यहाँ ब्यूटी पार्लर की महिलाओं का। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। हम ब्यूटिशियनों की इस मांग के साथ हैं, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।